नमस्ते रवि भैया, आपको हमारे द्वारा श्री शुभ द्वारा जो केचुए भिजवाए गए थे जी बिल्कुल, वो आपको कैसे लगे और क्या क्वांटिटी में केचुए थे और आपने उसको कितने एरिया में डाला, थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी बताइए जी। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र मोलेवा और मुझे शुभम जय भैया से संपर्क हुआ और उसके बाद में केचुए हमने इनसे प्राप्त किए और हमने इसको 6x12 वाले बेड में डाले और इसकी क्वांटिटी जो इन्होंने दी है वो बहुत ही अच्छी दी है और उसमें क्वांटिटी के साथ में जो अंडे आए वो भी बहुत अच्छे आए और बच्चे वगैरह और सारे बहुत ही अच्छे तरीके से हमको प्राप्त हुए हैं और हमने इसको बेड तैयार करा अभी। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे भैया किस तरीके से मिला? ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों आइसिनिया फेटिडा नस्ल की केचुए हैं। यहाँ आइसिनिया फेटिडा के वाले गुड़ बेसन डाला है, ये देखिए, ये अब देख सकते हैं कल्चर कितना हेल्दी है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। किसान साथियों, इनका यहाँ पर डेयरी फार्म भी है जो कि आप इस साइड देख सकते हैं, ये स्वयं के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं और इनकी डेयरी भी है जो कि राजपुर में, और साथ ही साथ इन्होंने अभी और अब ये चाहते हैं कि इनके घर के लिए ये कंपोस्ट तैयार करें, वर्मी वॉश भी तैयार करें, तो उन्होंने इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, तो ताज़ा गोबर इनके पास उपलब्ध हो पाता है और केचुए का जो चुनाव था हमने इनको हमारी साइड से आइसिनिया फेटिडा किस्म का केचुआ प्रोवाइड करा जो कि 15 किलो था और ये संतुष्ट है और हम इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे, जो भी इनको आगे समस्या आएगी उसका समाधान देंगे और आगे भी कुछ इनकी ज़रूरत होगी तो सारी इनकी मदद करेंगे। तो धन्यवाद भैया हमसे केचुए लेने के लिए और आप भी इन फ्यूचर आपको कोई ज़रूरत लगे तो बिल्कुल बताइएगा भैया जी, और आगे इसको बढ़ाना है तो और हम आगे और संपर्क करेंगे आपसे। भैया को हमने 2 लीटर वर्मी वॉश भी दिया था जो कि इन्होंने अभी आप साइड में देख सकते हैं इनकी भिंडी है, इन्होंने उसमें स्प्रे करा है और ये तुअर वगैरह भी लगी है, चने भी है ड्रिप के, तो आने वाले समय में ये जैविक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वर्मी कम्पोस्ट वॉक, और साथ में इन्होंने एक सेक्शन दे रखा है ये रही जो यहाँ पे वो वर्मी वॉश के लिए इन्होंने दिया है, तो अभी महीने भर तक ये इसी का पानी इसी में डालेंगे और महीने भर बाद जो इसका अर्क इकट्ठा होगा इसको हम बताएंगे किस तरीके से उपयोग करना है। तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा, थोड़ा बेड इनका अलग सा है पर उन्होंने छाव में और पूरा बहुत व्यवस्थित करके तैयार, तो बहुत अच्छा लगा भैया आप युवा हो और जैविक के प्रति थोड़ा सोच भी रहे हो इन सब चीज़ को लेके, सोच तो रहे और आगे बढ़ाना भी इसको जी जी बिल्कुल। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।